अब हम बनाएंगे दही का पन्ना। तो यहाँ पे मैं दही ली हूँ, ये रहा हमारा दही। और बाकी हमें क्या क्या चाहिए वो भी मैं दिखा देती हूँ। मैं फ्रूट्स सब ये काट के रखी हूँ। ये है केला, एक केला को मैं मैश करके ली हूँ और एक को काट के। और ये पका हुआ आम वाला जो है, ये कच्चा आम है, इसे मैं थोड़ा सा क्रश करके ली हूँ और ये थोड़ा काट के ली हूँ कच्चा आम। ये हुआ अनार और अंगूर, थोड़ा सा तरबूज और थोड़ा सा ककड़ी। और ये नारियल मैं घिस के ली हूँ। और जो सब फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और गुड़, गुड़ के जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी पणा संक्रांति सबको मेरे तरफ से। और आज ना हम ओडिया लोगों का न्यू ईयर भी है, तो हैप्पी न्यू ईयर सब ओडिया लोगों को। तो पणा संक्रांति के अवसर पर हम लोग यहाँ पे आज पन्ना बना रहे हैं। ये हमारा दही पन्ना बनने वाला है यहाँ पे। अब हम बना लेंगे दही पन्ना। ये मैं दही ली हूँ, इसमें मैं अब गुड़ डाल दूंगी। इतना गुड़ लग जाएगा, इतना गुड़ सफिशियंट हो जाएगा। अब ना हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे दही को फेंटते हुए गुड़ थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा जो है, इसे मैं ऐसे ऊपर से ही क्रश कर रही हूँ। मिक्स मिक्स। तो अब हम ना यहाँ पे थोड़ा ठंडा पानी ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं। हर जगह ना पूजा हो रहा है तो हर जगह आपको थोड़ा माइक का साउंड भी आ रहा होगा, कहीं गाना बज रहा है तो कहीं पूजा का साउंड आ रहा है। इतना पानी डालते हैं पहले, फिर बाकी अगर लगेगा तो बाद में डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। तो अब हम ना थोड़ा सा जो ब्लैक पेपर पाउडर है थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और बाकी सब जो फ्रूट्स अब ऐड कर देंगे। पहले ये क्रश किया हुआ हमारा केला डाल देते हैं, बनाना, आम, आम जो मैं क्रश करके रखी थी कच्चा, ये थोड़ा सा ककड़ी, ये ना थोड़ा फ्रेशनेस लाता है पन्ना में, मस्त लगता है। अंगूर अनार भी डाल देते हैं। और साथ में हम जो नारियल घिस के रखे थे उसे भी सब हम ऐड कर देंगे। और थोड़ा है ऊपर गार्निश करने के लिए मैं रखी हूँ। ये देखिए सारा चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये जो पन्ना है ना थोड़ा गाढ़ा ही बनता है, पूरा पतला नहीं बनाते हैं इस पन्ना को। ये मैं कर दी हूँ अच्छे से मिक्स पन्ना को। देखिए ये हमारा पन्ना जो है रेडी हो चुका है, मस्त पूरा फीलिंग टेस्टी पन्ना हमारा बनके अब रेडी है। इसे अब हम सर्व करेंगे। तो हमारा पन्ना बनके रेडी है, अब करेंगे हम पन्ना को सर्व। ये हमारा पन्ना बनके रेडी, इसे हम आप गार्निश करेंगे। जो नारियल मैं घिस के रखी थी थोड़ा गार्निश करने के लिए
उसे मैं डाल दूंगी और थोड़ा अनार का दाना। तो ये रेडी हो गया है हमारा पन्ना, देखिए कितना मस्त बना है पन्ना। अगर आपको ये पन्ना वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जो वीडियो है इसे आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में जो बेल आइकन रहता है साइड में उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सब आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।